वो कर्मचारी जो एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम कर रहे हैं उनको सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा ग्रेच्युटी भी मिलती है। मौजूदा दौर में अभी ग्रेच्युटी का फायदा लेने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना जरूरी है, लेकिन हाल ही में नए श्रम विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद नए प्रावधान बताते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ साथ ग्रेच्युटी का भी फायदा मिल सकेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी को भी अब एक नियमित कर्मचारी की तरह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अलावा सीजनल प्रतिष्ठान में काम करने वाले नौकरी पेशा को भी इसका फायदा दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं ग्रेच्युटी का गणित क्या है। तो मौजूदा समय में 5 साल की नौकरी पूरी करने पर हर साल 15 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी निर्धारित की गई है। ग्रेच्युटी जो कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा होती है 20 लाख रुपए। कर्मचारी ने एक ही कंपनी में 20 साल काम किया और उसका आखिरी वेतन 60,000 रुपए है। इस वेतन को 26 से भाग दे दिया जाता है, क्योंकि ग्रेच्युटी के लिए 26 कार्य दिवस माना जाता है। इससे 2,307 रुपए की रकम निकलती है। अब नौकरी के कुल साल को 15 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना होती है। ये अवधि आएगी 300, जिसे 2,307 से फिर गुणा करने पर ग्रेच्युटी की कुल रकम 6,92,100 रुपए आ जाएगी। आपको बता दें कि ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी की तरफ से मिलने वाला एक तरीके से रिवॉर्ड है। अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेच्युटी का भुगतान एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत गारंटीड तौर पर उसे दिया जाता है। ग्रेच्युटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।